निर्भया के दोषियों को नया डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। निर्भया के दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी पटियाला हाउस कोर्ट के द्वारा। बड़ी खबर दिल्ली से, 3 मार्च को नई तारीख फांसी की, सुबह 6 बजे। बड़ी खबर इस वक्त की, निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। नया डेथ वारंट जारी निर्भया के चारों दोषियों के लिए, 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी की नई तारीख। 1 फरवरी को पहले यह तारीख मुकर्रर थी, लेकिन तमाम कारण आप जानते हैं जिसकी वजह से उस पर रोक लगाई गई। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। अविनाश, पूरी खबर बताइए। अगर बात करें तो आज कोर्ट में लंबी दलील चली, जिसमें तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि अभी चारों दोषियों में से किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है, जिसके जवाब में आरोपियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि वो एक बार फिर से अक्षय की दया याचिका राष्ट्रपति के पास दायर करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया, अगर बात करें विनय की, कि वो भूख हड़ताल से बैठा हुआ है जेल में और उसकी जो है मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए उसे फांसी न दी जाए। कोर्ट ने सभी की दलील सुनने के बाद एक नया डेथ वारंट जारी किया है, 3 मार्च को सुबह 6 बजे का। अगर बात करें तो तीसरी बार डेथ वारंट जारी हो रहा है, पहले 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी हुआ था, उसके बाद 1 फरवरी का और अब 3 मार्च का डेथ वारंट जारी हुआ है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें तो चौथा आरोपी है पवन गुप्ता, जिसके पास अभी क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका की कानूनी प्रक्रिया बची हुई है। उसके वकील ने कोर्ट में स्पष्ट किया है कि पवन अपनी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगा। उससे अब तक कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसके पास वकील नहीं था, अब लिहाजा मैं वकील हो गया हूँ तो अब मैं इस पवन की जो कानूनी प्रक्रिया बची हुई है इसका इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। जाहिर तौर से बात है, अविनाश रोकेंगे आपको इस वक्त। जब मर्सी पिटीशन, कंप्लीट मर्सी पिटीशन डिसाइड होगी, उसके बाद अगर हमें रिलीफ नहीं मिलती है तो हम उसके बाद जाएंगे पिटीशन पर, रिटन जो पिटीशन हम फाइल करेंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। एपी सिंह से अब हम सीधे बात करते हैं। एपी सिंह साहब, ये बताइए कि अब इसका मतलब क्या है, 3 मार्च सुबह 6 बजे एक और फांसी की तारीख, आप लोग अभी भी कानूनी विकल्प की बात कर रहे हैं? कानूनी विकल्प अभी बहुत बचे हुए हैं, जब तक सारे कानूनी विकल्प नहीं मिल जाएंगे तब तक फांसी की सजा देना मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। भारत के संविधान जो कि आत्मा है, हमारी मूल है हमारे देश का, उसका मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। तो आप कह रहे हैं अभी भी जो है आपके पास कानूनी विकल्प है दोषियों के पास में और फांसी नहीं होगी? दोषियों के पास अभी भी कानूनी विकल्प है, जिनके बारे में हमने बताया, अभी 77/17 दिल्ली हाईकोर्ट में अक्षय, विनय, पवन तीनों की तरफ से पेंडिंग है दिल्ली हाईकोर्ट में। वो क्या मामला है, कौन से पेंडिंग? ओबरी वाला केस है जिसमें कन्विक्शन किया था, वो पेंडिंग है। दूसरा मामला अक्षय कुमार सिंह की कंप्लीट मर्सी जो आपने कोर्ट में देखी, वो राष्ट्रपति महोदय को डिसाइड करनी है। उसके बाद अक्षय की पिटीशन आती है जो, और पवन की भी क्योरेटिव पिटीशन, अभी जुवेनलिटी पे डिसाइड होना है पवन की क्योरेटिव पिटीशन, और उसके बाद पवन की SLP पे क्योरेटिव पिटीशन डिसाइड होना है। अगर उसमें रिलीफ नहीं मिलती है, अगर उसकी जुवेनलिटी पे रिलीफ नहीं मिलती है तो वो मर्सी पिटीशन पर जाएगा और उसके बाद पोस्ट मर्सी की बात आती। ये सारी लीगल रेमेडीज अभी बाकी हैं, लेकिन कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसके आगे, ये जो हमारी लीगल रेमेडी है हम उन पर आगे अवेल करेंगे और आगे उसमें प्रोसीड करेंगे। जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, केवल दीवारों पर लिख देने से, अखबारों में, समाचार पत्रों में, रेडियो में लिख देने से एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए गलत है। हमारा ये है दोषियों के वकील एपी सिंह। एपी सिंह, जस्टिस दिखना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, केवल दीवारों पर लिख देने से, अखबारों में, समाचार पत्रों में, रेडियो में लिख देने से एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए गलत है। न्याय होना भी चाहिए गरीबों और दलितों के वकील एपी सिंह जो ये बता रहे हैं कि अभी 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी की खबर पटियाला हाउस कोर्ट से। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्णय दे दिया, एक साथ सभी दोषियों को फांसी, एक बार फिर से तीसरी बार पटियाला हाउस कोर्ट ने उसके लिए डेथ वारंट जारी किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की।
ये आप लोगों का मीडिया, पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से लगातार फांसी की तारीख ये जल्दी नहीं है, ये जाती है। ये जल्दी जल्दी दी जा रही है, नहीं अब आगे, बिल्कुल क्या करेंगे आप? क्या करें? जो लीगल प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है कन्विक्ट के कंडमन, ये फांसी की सजा की बात आप कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। अगला कोर्स हमारा जो लीगल रेमेडीज बाकी है उनको सबको हम पूरा करेंगे। कौन सी लीगल रेमेडी आज को लटक जाए, क्योंकि मैं बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि दो ये तीसरी बार डेट वारंट जारी हो गया है, तो दो बार कभी नहीं छोड़े, आज भी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा। तो आज डेट दे दिया गया है, एक तसल्ली तो जरूर है। हाँ बिल्कुल तसल्ली है, बिल्कुल तसल्ली है, खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो, कब उनको डेट ऑरेंज निकले, तो फाइनली आज डेट। पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, डेट वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे, लेकिन आज का दिन कितना संतुष्टि भरा? मुझे बहुत संतुष्टि है, कई बार होता है सिचुएशन ऐसा होता है आके टूटना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने, फिर भी हम हार नहीं माने और फाइनली कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, फाइनली एक बार फिर आज डेट वारंट मिल गया है, हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पे लटकेगी। निर्भया की माता जी ये कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं है क्योंकि इससे पहले भी डेथ वारंट जारी हुए लेकिन फांसी नहीं हुई, लेकिन उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी है और अब उनको उम्मीद है कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी होगी। हमें रिलीफ नहीं मिलती है तो हम जो अगली पिटीशन है उसको पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, क्योंकि प्रेशर अभी भी बरकरार है, आप देख रहे हैं मानवाधिकारों के लोग, संगठनों के लोग मानवाधिकार के कितने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा संविधान के खिलाफ है, फांसी की सजा महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ है, फांसी की सजा हमारे नेचुरल राइट के खिलाफ है, फांसी की सजा हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो इस आधार पर वो चीजें सारी जो भी अमल में आनी चाहिए और जो भी लीगल रेमेडीज हैं, आप डेथ वारंट जारी कर देश के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाने का काम है, ये प्रेशर बनाने का काम है, डिसाइड करना पड़ेगा देश के लोगों को कि ट्रायल कोर्ट ज्यादा इफेक्टिव है या देश की सुप्रीम कोर्ट की ट्रिपल बेंच और 5 जज की बेंच इफेक्टिव है या फिर देश के महामहिम राष्ट्रपति इफेक्टिव है, ज्यादा गरिमापूर्ण है, ये देखना पड़ेगा। आप मर्सी पिटीशन पिक एंड चूज करके नहीं कर सकते हैं इस तरह से। हाँ, जो पिटीशन हमारी बाकी है वो सब हम फाइल करेंगे, जो भी जैसे जैसे हमें हम क्लाइंट से कांटेक्ट करेंगे, उसके परिवार वालों से कांटेक्ट करेंगे और उसको फाइल करेंगे। तो दोषियों के वकील कह रहे हैं कि वो अभी भी उनके पास बहुत सारे कानूनी विकल्प बाकी हैं। उन्होंने एक एक करके बताया कि जो उनके क्लाइंट्स हैं यानी कि जो दोषी हैं। मैं जाइए, लेकिन 7 दिन के अलावा मैम 14 दिन बीत चुका, लेकिन इन्होंने कहीं कोई पिटीशन फाइल नहीं की है, तो अब इनके सारे राइट एग्जॉस्ट माने जाएंगे इस कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और आगे इनको अब कोई रिलीफ नहीं दी। आज ही एपी सिंह ने कहा कि एक दोषी की जो मर्सी पिटीशन थी वो कंप्लीट थी, दोबारा आज फाइल की है, तो इस तरीके की मैं आपको एक बात कहूंगी मैम कि एपी सिंह, मुझे लगता है ना कि जो वकील जो हैं, जो एडवोकेसी करते वकालत करते हैं, उनके पास लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं कि वो उनका पक्ष रखेंगे, लेकिन इसने तो वो जो चारों कन्विक्टेड हैं उनकी फैमिली को भी गुमराह किया है कि नहीं हम उनको बचा सकते, जबकि ये क्लियर है कि वो नहीं बच सकते, किसी भी हाल में नहीं बच सकते हैं, और उनकी मर्सी अच्छा की ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी, अब इनके पास कोई राइट नहीं है। थैंक यू। निर्भया कि जो वकील हैं उनकी बात आप सुन रहे हैं, वो बिल्कुल काउंटर आर्गुमेंट कर रही हैं। उनका तर्क ये है कि तमाम जो विकल्प थे वो समाप्त हो चुके हैं, वो एक्सरसाइज किए जा चुके हैं, इसलिए 3 मार्च को सुबह 6 बजे दोषियों को फांसी होनी ही चाहिए। ऐसे ही भावनाएं निर्भया की माता जी की हैं, वो अभी कह रही थी कि उनकी उम्मीद बरकरार है, उम्मीद उनको है कि 3 मार्च को सुबह 6 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी होगी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है वो, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार
डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी नहीं हुई है, इसलिए बहुत खुश नहीं है वो, लेकिन उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी है, उम्मीद का दामन उन्होंने नहीं छोड़ा है। इधर दोषियों के वकील कह रहे हैं कि बहुत सारे कानूनी विकल्प बाकी हैं, बहुत सारे ऐसे विकल्प बाकी हैं जिनको वो अख्तियार करेंगे, जिनको दोषी अख्तियार करेंगे, जिनको वो एक्सरसाइज करेंगे, और 3 मार्च को फांसी नहीं होगी। तो दो विपरीत तर्क दोनों ही वकीलों के, दोनों ही पक्षों के आ चुके हैं पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के बाद। एक साथ सभी दोषियों को फांसी की सजा सुना दी है पटियाला हाउस कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने दिया था वो टाइम पहले ही इनका लैप्स कर चुका था, इसलिए ये जो डेट है ये फाइनल डेट होनी चाहिए और इनको 3 मार्च को हैंग कर दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैम एक बात कहूंगी मैम कि जिस तरीके से ये डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे, ये फांसी की सजा और ज्यादा होनी चाहिए और 3 मार्च को जब इनको हैंग किया जाएगा मेरे निर्भया को तो न्याय मिलेगा ही, साथ में देश की और जो बेटियां न्याय के इंतजार में हैं उनको भी उम्मीद जगेगी अपने जुडिशियल सिस्टम पे कि नहीं उन बेटियों को भी न्याय मिल सकता है अगर निर्भया को न्याय मिल सकता है। तीसरी बार है जबकि आज जी वारंट जारी किया गया है, क्या उम्मीद कर रही है कि तीसरी बार में